एक थे बड़ी नई नई तर्ज बजावत बात, इतना बढ़िया तर्ज बजावत बाटे कोनो को दुलहिनी के दुल्हा परदेश चल गई, दुलहिनी के दुल्हा परदेश चल गई आ हुआ बिना बताए, आज बिना बताए चल गई औरतिया सोचत बा कि हमार सैया परदेश चल गई लेन बिना बताए, हमार जियरा जो ना कोनो गगरी ठीला में कौने चीज में बंद कई के चल गई लेन हमार करेजा तड़पत बा, कहत कैसे बा बड़ी याद आवे पिया के प्यार कई, रतिया तरतिया पहाड़ दीन भाई, बीच में मैं गायक कलाकार राजेश कुमार बिंद आचार्य जी, ग्राम सभा भोरी सूर्यावा भदोही उत्तर प्रदेश के पावन पवित्र धरती। ए बाबू हो, आप लोगन के बीच में एक ठे चौलर कजरी भेजत वानी, हमें आशा ना बल्कि विश्वास हो कि लोगन के पसंद जरूर आई। ए भैया हो, ए समय पे सीमा हैदर का बड़ा जोर चलत हो, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अमर उजाला पर, सब पे टीवी पर भी देखने को मिल रहा है कि सीमा लड़की जो है गदर फिल्म, जैसे शनि देवल का फिल्म था, वह भी विदेश की लड़की थी, प्यार करके उसके साथ आ गई। इसी ढंग से वह जो है नकली फिल्म जो है काल्पनिक बनाया जाता है, लेकिन उसको सीमा ने सत्य करके दिखा दिया, सत्य करके दिखा दिया। कैसे चौलर का भाव में बतावल गई, अरे गदर फिल्म ये भैया गदर फिल्म, अरे गदर फिल्म नकल कैली सीमा एक जननावा, सचिन जी से होई गवानी लनावाना, फिल्म नकल कैली सीमा एक जननवा और सचिन जी से होई गवा। ए बाबू हो, एक बहुत बहुत चीज हो, मोबाइल पर यूट्यूब भी हो, फेसबुक भी हो,
लेकिन एक सिस्टम और हो, जैसे इंस्टाग्राम भी होला वही ढंग से एक पबजी गेम भी होला। पबजी गेम खेले वाली, हाँ सीमा डेली पबजी गेम खेले बाबू। तैसा इनकर परिचय सुन लिहल जाई, शहर के भाव में बतावल गई। अरे गौर से सुनो, पाकिस्तान कराची खैरपुर रहा भवानवा। अरे गुलाम हैदर की शादी भैली, अब सीमा मिली जननवा। अरे चारिगो भये नीला लनवा। पहले बात को समझ ले बाबू, गौर से सुनो। पाकिस्तान कराची खैरपुर रहा भवनवा, गुलाम हैदर की शादी भैली, सीमा मिली जननवा, चार गो भैन ललनवा। ए बाबू हो, पाकिस्तान के अंतर्गत एक सिंध प्रांत है बाबू। सिंध प्रांत के अंतर्गत कराची शहर हो। कराची शहर के अंतर्गत एक खैरपुर मोहल्ला हो। खैरपुर रहे वाली सीमा और हैदर, ये हैदर रहलन बाबू। इनकर शादी जब हो गई 2014 में, 2014 में सीमा और हैदर की शादी हुई। वह कैसे हुई कि मीडिया लोग बताते हैं कि अभी लव की स्टोरी के द्वारा हुआ। एक बार सीमा का मिसकाल चल गई हैदर के पास। हैदर बार बार परेशान करे, ऐसे धीरे धीरे दोनों में लव हो गई। जब सीमा का शादी 2014 में हो गई तो धीरे धीरे बाबू चार गो लड़का भैलन, दुई गो लड़की दुई गो लड़का। आ जब इतना हो गईलन तो धीरे धीरे ई गुलाम हैदर करे का टाइल्स का काम करे, समय मिले तो टाली भी चलावे। लेकिन रोज सीमा से उसे लफड़ा झगड़ा होत रहे। लेकिन सीमा कहले कि अगर आप बाहर विदेश चल जाइए तो पैसा बहुत आई। किसी ना किसी ढंग से बाबू का वीजा बनवा लिया, सऊदी का वीजा बनवा करके हैदर जो है सऊदी के लिए रवाना हो गया। 2019 में सऊदी को रवाना हो गया तो इधर अंतरा के भाव से बतावल गई। अरे 2019 में सऊदी सुना गई ले, अरे गवा दिन चार साल घर नहीं आईले। अरे गवा दिन ये ललू गवा दिन, अरे गवा दिन चार साल घर नहीं आईले। अरे गुस्सा करके फोनवा में खूब करी आईले। अरे गई कहीं सीमा एक दिन फोन ना उ। ए बाबू हो, गुलाम हैदर का शादी 2019 में भेल, 2019 में सऊदी गईलेन। शादी तो 2014 में भेल, 2019 में जब सऊदी गईलेन हाँ, 2020 जब आईल कोरोना काल लगल। कोरोना काल में सीमा का करे, जब फोन करे तो कभों कभों गाली भी देवे लगे, गुस्सा करे लगल। तो 2020 में एक टाइम ना पास हो बाबू, पबजी गेम खेले लगल। अब पबजी गेम खेलत खेलत बाबू एक दिन हैदर जो है फोन किया तो सीमा ने फोन नहीं उठा पाई, कहीं गई थी। काफी गुस्सा कर गया, फोन करके गाली गलौज देने लगा बाबू। ए बाबू, वही समय 2020 में रतिया भर अपने घर में रहे, दिनवा भर घर में रहे सीमा, ओकर जेरा उबे लगल। तो एक ठे पबजी गेम हो, वह खेले लगल, टेरी का भाव लगल। ललऊ गौर कहके, अरे गौर कहके पंचो गौर कहके, अरे गौर कहके पपजी खेले बर्चन के समानावा। कहीं सचिन जी से होई गवा मिला नवाना। Yeah.
पबजी खेले बच्चन के समनवा, सचिन जी से होई गवा मिलनवा ना। ए बाबू हो, रोज उधर से पबजी खेले आ इधर से सचिन मीणा जो नोएडा का रहने वाला था, नोएडा शहर का जो कि रबूपुरा का रहने वाला उत्तर प्रदेश का, ये अभी पबजी खेल रहा था। पबजी खेलते खेलते दोनों में प्यार हो गई। आ जब प्यार हो गई बाबू, रोज रतिया दिनवा बिना बतियाए समय ना पास होए, समय ना पास होए बाबू। तो भैल का शेर का भाव बतावल गई। अरे सचिन मीणा नोएडा शहर रबूपुरा का रहने वाला, अरे सीमा सचिन से प्यार हो गवा, अरे दिल में भवा उजाला, अरे रोज कर मोबाइल से बतियाना। ए बाबू हो, सचिन मीणा नोएडा शहर रबूपुरा का रहने वाला, सीमा सचिन से प्यार हो गवा, दिल में हुआ उजाला, रोज करे मोबाइल से बतियाना। वह समय पर बाबू ई सचिन जोन भाई एकर शादी ना भइल रहल, ई नेपाल का राजधानी काठमांडू में नौकरी करत रहल। वही से बात होए बाबू, एक दिन नौकरी करत रहल बाबू, तो धीरे धीरे सीमा से कहले कि अगर हमार तोहार सच्चा दिल हो, काहे से कि सीमा दिल दे बैठल सचिन के और सचिन दे बैठल सीमा के। तो वही समय में कहले कि अगर हमार तुहार सच्चा प्यार हुई तो एक बार यहाँ आकर के हमसे जरूर मिल लो। विचार करने लगी कि मैं कैसे मिलूंगी। बाबू वीजा तैयार भारत का कराने के लिए तैयार हुई, लेकिन वीजा भारत का नहीं मिला, तो डायरेक्ट जो है उसको यहाँ नहीं मिला तो नेपाल का मिला। तो उसने सोचा कि नेपाल के बॉर्डर से बिना वीजा के लोग आते जाते हैं, हम उसी ढंग से चले आएंगे, उनसे मिल लेंगे। विचार के बनावे लगल, चौलर का भाव लगल। अरे सचिन नेपाल काठमांडू में काम करत भाई, अरे सीमा एक दिन मिले बदे मनावा बनाई। बाबू हो, सचिन नेपाल काठमांडू में काम करत भाई, सीमा एक दिन मिले बदे मनवा बनाई। सुनो 10 मार्च रहा सचिन पास जाई, सचिन पूछा कैसे आऊ हमें दे बताई। ए बाबू हो, इसी ढंग के यहाँ से गई जो है दुबई गई, आ दुबई गई, दुबई से जो है बाबू वहां से नेपाल के लिए फिर एरोप्लेन से चल दी। आ जब नेपाल के लिए चलल काठमांडू में पहुंच गईल, आ जब पहुंचल बा तो दोनों दोनों का नजर मोबाइल से जब बात होत रहल, जब दोनों मिल गईलेन नैना चार हो गई। वह समय मंजितवा पत्रकार हो गई। हाँ ए बाबू हो, वही समय में सचिन एक थे सीमा से बात कहलेस, कहलेस कि आपने जो है भारत में कैसे प्रवेश किया, किस ढंग से आई। ए बाबू हो, बतावत कैसे बा टेरी का भाव लगल। अरे सीमा बोली ए भैया सीमा बोली, अरे सीमा बोली ए ललू सीमा बोली, अरे सीमा बोली दुबई से यहाँ भयवा बोली।
बोली ए पंचो सीमा बोली, अरे सीमा बोली दुबई से इहा भयवनवा, अरे सचिन जी से होई गावा में ननवाना। सीमा बोली दुबई से यहाँ भयवनवा, सचिन जी से होई गवा मिलनवा ना। ए बाबू हो सीमा ही है बतिया लगल बताओ है। कहे मैं दुबई आई और दुबई से जो है मैंने नेपाल आई, तब मैंने आपके पास आई। बड़ी मशक्कत के बाद सीमा लगल बताओ है। एकरे बाद सचिन कहले कि चार चार बच्चा के छोड़ के आयल हूँ, कहे हम यही रह, होटल को बुक कराया है। एक हफ्ते तक वहीं दोनों रह रहे थे बाबू, सीमा और सचिन होटल में रेस्टोरेंट में रह रहे हैं बाबू। इसके बाद बाबू धीरे धीरे एक हफ्ता गुजरल बा, सचिन कहले कि प्यारा प्यारा बच्चा हुए रुवत ही हैं, कहा ना जाई बच्चन के छोड़ दे, कहा इतना बड़ा प्यार में जिन पागल हो, चली जाओ पहले बच्चों के पास फिर कभी आना। चूंकि 10 मार्च 2023 को आई, फिर एक हफ्ते के बाद रिटर्न हो गई। आज जब चली गई तो भैल का शहर का भाव लगल, अरे लौट के सीमा पाकिस्तान पहुंची, बच्चे खुश हो जाई, अरे लगी विचार करे फिर जाऊंगी, अरे रूम का की हैसी बेचाई, अरे 12 लाख पवाली रुपया वाना। ए बाबू हो वहां समय पर सीमा लौट करके पाकिस्तान अपने घर को फिर चली गई। जब चल गई तो चारों बच्चा देख लेन माई के बड़ा खुश हो गई लेन। एकरे बाद विचार बनावे लगल कि हम अपन रूमोए बेच दी। 12 लाख रुपए में उसका रूम का तैयारी हो गई बेचने, 12 लाख में उसका रूम जो है बिक गया। 12 लाख रुपया अपने खाते में डाल करके एटीएम ले करके वहां से चारों बच्चों के लेकर के फिर निकलती है, एयरपोर्ट जाती है वहां से दुबई के लिए, दुबई के लिए नेपाल के रास्ते के लिए। वह विचार करे लगल भैल का चौलर का भाव लगल, अरे लेके चली बच्चों को एयरपोर्ट जाई, अरे लिहली टिकट तारीख 10 मई रहल भाई, लिहली अरे लिहली टिकट ये ललू लिहली टिकट, अरे लिहली टिकट ये पंचो लिहली टिकट, अरे लिहली टिकट तारीख 10 मई रहल भाई, अरे लिहस तब उड़ान पहुंची दुबई में आई, अरे लेट भइली फ्लाइट तब रात निया। ए भैया हो लेके चली बच्चों को तब एयरपोर्ट जाई, लिहली टिकट तारीख 10 मई रहल भाई, लिहले से तब उड़ान पहुंची दुबई में आई, लेट भइल फ्लाइट तब रात नियर आई। फ्लाइटिया वह दिना हवाई जहाज थोड़ा लेट कह दिले, जब लेट कह दिले तो कुछ समय बितावे के पड़ल, फिर वहां फ्लाइट जो है उड़ान को भरती है, उड़ान को भरती है, आइल कहां टेरी का भाव लगल, अरे लेके पहुंची ए पंचो लेके पहुंची, अरे लेके पहुंची ए बाबू लेके पहुंची, अरे लेके पहुंची फ्लाइट तब नेपाल के भवनवा, कह सचिन जी से होई गवामी लनवाना। पहुंची
पहुंची, अरे लेके पहुंची फ्लाइट तब नेपाल के भवानावा, अरे सचिन जी से होई गवानी लनावाना। लेके पहुंची फ्लाइट तब नेपाल के भवनवा, सचिन जी से होई गवा मिलनवा। ए बाबू हो, फ्लाइट जब लेके चल गई वहां जब उतरल बा तो धीरे धीरे बस अड्डा के पास आई, फोन से बराबर इसे सीमा से और सचिन से बात होती, फला गाड़ी पकड़ लो, ये गाड़ी पकड़ लो, यहाँ से ये वाली रोड पकड़ लो। ए बाबू हो, चारों बच्चों को दो लड़की दो लड़का के लेकर के सीमा बस को पकड़ी है सचिन के पास। उस समय 13 मई हो गया, 13 मई को अपने घर पे पहुंचा यहाँ नोएडा लेकर। भैल का ए बाबू हो शहर का भाव लगन, अरे पकड़ी बस है सीमा हैदर सचिन के पास में जाई, अरे प्रेमी मिला सचिन वहां पे, अरे नोएडा की बस गई दिखाई, अरे पहुंच गई लेनिया पाने भावाना वाना। पकड़ी बस है सीमा हैदर सचिन के पास में जाई, प्रेमी मिला सचिन वहां पे, नोएडा की बस गई दिखाई, पहुंच गई ले अपने भवनवान। 13 तारीख को रबूपुरा गांव में नोएडा पहुंच गया। ए बाबू हो जब पहुंचल हा 10 दिन 12 दिन 15 दिन बीतल बा, मांग में सिंदूर को डाला है, सीमा कहली कि हम हिंदू धर्म अपनाएंगे, मांग में सिंदूर को डलवा ली, बच्चों का नाम बड़का बड़े बच्चे का नाम जो उसका नाम उर्दू में नाम था उसका जो है बदल करके राज रख, संशोधन हो गया, और लड़की का नाम बदल करके प्रियंका रख दिया गया, हिंदू नाम रख दिया, हिंदू नाम रख दिया गया, और हिंदू धर्म जो है सीमा अपनाना चालू कर दी, हिंदू धर्म को अपना ली। धीरे धीरे दोनों में प्यार जब काफी ढंग से चले लगल, मांग में सिंदूर भी डाल दिया गया। एक दिन पिताजी कहे लगले कि विदेश की लड़की हो, फर्जी तरीके से आई है, कम से कम इसका जो है कोर्ट मैरिज करा लिया जाए, कुछ न कुछ इस साबूत तो हो जाए, नहीं तो किसी दिन हम लोग फंस जाएंगे। एक तो अवैध ढंग से आई है बिना वीजा को। बाबूजी कहले न यहाँ से चल गए लेन वही बगलिया के एक लोअर कोर्ट हो, लोअर कोर्ट में जब गए लेन सोचलेन कि जौन बा इनकर कोर्ट मैरिज हो जाई, तो वही समय पर बाबू वकील साहब जो है पासपोर्ट मांगना चालू कर दिए, तो जब देख लें तो मैं पाकिस्तान का दर पता रहल। वही समय वकील साहब एक थे कमाल कैलिन, का कैलिन बाबू अंतरा के भाव से बताओ, पापा कहा कोर्ट मैरिज शादी ला रचाई हो, अरे पाए खबर वकील साहब पुलिस को बुलाई हो, पाए पाए खबरे ललऊ पाए खबर, अरे पाए खबर वकील साहब पुलिस को बुलाई हो, अरे पड़े लगी मार पुलिस रहे बतराई हो, कहीं परमानंद की दिया के बिहाल रे। पापा कहें कोर्ट मैरिज शादी ल रचाई हो, पाए खबर वकील साहब पुलिस को बुलाई हो, पड़े लगी मार पुलिस रहे बकराई हो, परमानंद गीतिया के दिहले रचाई है। ए बाबू हो वहां समय पर जब ई वकील साहब देखलन करीब बाप रे बाप इत विदेशी हो, पुलिस को बुला दिए बाबू, पुलिस आया तो इसका तहकीकात करने लगा, इसके पास 4 आधार कार्ड, तीन तीन आधार कार्ड और 4 मोबाइल बरामद हुए,
कि ये तो फर्जी ढंग से आई है। उसको पकड़ करके बाबू ले गए, हवालात में ले गए। उस समय सचिन को भी मार रहे हैं, सीमा को भी बकरा रहे हैं, लेकिन एक के बाद दोनों बोले कि बिना इनके हम ना जियब, इनके बिना हम ना जियब। अगर हमें आप लोग यहां से वापस कर देंगे, मैं रास्ते में मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन पाकिस्तान। इतना विचार बाबू करे लगल, लेकिन जब पकड़ान तो वहां समय पर पूछलेन कितना पढ़ले हो, कहे पांच तक। बोली कि पांच तक मैं पढ़ी हूं। फर्राटे अंग्रेजी भी बोलना चालू कर दी, लैपटॉप, हाँ लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर सब चलावे सीख, कक्षा पांचे तक। शंका बने लगल, मीडिया लोगन का तांता लगे लगल। रात दिन उनसे मीडिया वाले बात किसी न किसी ढंग से, कुछ दिन के बाद जो हिरासत में जेल के थे, कोर्ट ने उसको जो है रिहा कर दिया। रिहा कर दिया, जब घर पे आई तो वहां जो है मीडिया वालों का तांता लग गया। आठ घंटा दस घंटा लगातार बोलती रही, उसके गले में इन्फेक्शन। एक दिन उसको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां उसको ठीक कराया गया। इसके बाद आई, तरह तरह की लोग तमाम बातें कर रहे हैं, एसआई एजेंट है, ये विदेशी है, ऐसा है वैसा है, हो सकता है भारत के ऊपर हमला न कर दे, तमाम प्रकार की बातें आ रही हैं। लेकिन अभी और बातें आएंगी तो हम लोग आप लोगों को जरूर सूचना देंगे। इस गीत के माध्यम से कवि घराने का परिचय मिलल। अरे पहाए हे पंचो, अरे पाए हे ललऊ, अरे पाए राजस गुरु जी का पकड़ चरना।